राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,37,602 वादों का हुआ निस्तारण। प्रतापगढ़ जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज अब्दुल शाहिद ने किया। न्यायिक अधिकारियों के प्रयास से 2,37,602 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए न्यायिक अधिकारियों ने अलग अलग विभागों के अफसरों को सहयोग के लिए आभार जताया। सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। थनासपुर देवसरा क्षेत्र के गौरी माफी हाईवे पर बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 75 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। उसका पोता और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अमरगढ़ CHC में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक देख रेफर कर दिया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। फांसी पर लटकता मिला विवाहिता का शव। मुंबई से 6 माह पहले घर आकर रह रही विवाहिता का शव मंगलवार दोपहर घर के भीतर फांसी के फंदे पर लटकता मिला। सूचना पर पहुंची मां हत्या कर शव फांसी पर लटकाने का आरोप लगा रही है। युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, हालत गंभीर। प्रतापगढ़ जनपद के दिलीपपुर के करमजीतपुर निवासी विपिन पटेल ने शनिवार शाम घरेलू विवाद के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। बीमार पति से मिलने आई विवाहिता आग से झुलसी। विवाद के बीच बीमार पति को देखने के लिए मुंबई से आई विवाहिता शनिवार सुबह आग से जलकर गंभीर रूप से झुलस गई। उसे अमरगढ़ से मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। कॉलेज की चार दीवारी के भीतर घुसे चोर कार्यालय की खिड़की तोड़कर भीतर घुसे। बगल में रखी अलमारी की चाबी से अलमारी खोली और उसमें रखा 70,000 रुपए पार कर दिए। घटना की जानकारी सुबह कॉलेज खुलने पर हुई तो पुलिस ने मामले की जांच की। प्रेमी के साथ युवती फरार। नगर पंचायत के एक मोहल्ले निवासी एक युवक ने पुलिस को तहरीर दी। उसकी 18 वर्षीय बेटी को 6 मार्च रात मोहल्ले का ही युवक भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद बेटी का सुराग नहीं लगा तो बेटे के गायब होने को लेकर पीड़ित ने युवक के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस जांच में जुटी।